यार गुड मॉर्निंग गाइस, एंड ये है अपने माउंट आबू टूर की डे टू की मॉर्निंग। तो शाम को क्या हुआ कि यार मतलब कि इतने ज्यादा थक गए ना कि वीडियो एडिट करने का मतलब कि मन ही नहीं हो रहा था, और अपलोड करने का भी मन नहीं हो, एडिट करके रखा था अपलोड करने का मन नहीं हो रहा था। तो फिलहाल जो है अभी किया है मैंने, तो अब जो है थोड़ी देर के अंदर वीडियो भी आ जाएगा। बाकी यार आज का हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपने को है ना 3 से 4 और मैक्सिमम 5 प्लेस अपने को एक्सप्लोर करने हैं, बट अपने पास टाइम जो है वो 3 बजे का ही है और फिलहाल जो है 8 बज चुके हैं। तो यार अभी अपने को बहुत ही जल्दी से निकलना होगा और बहुत जल्दी जल्दी सारे प्लेस को एक्सप्लोर करना होगा और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करना होगा। तो लेट्स देखते हैं कि कितने अच्छे तरीके से और कितना जल्दी ये हो पाता है। अभी यार थोड़ा जल्दी यहाँ का काम सारा निपटा करके और अपन निकलते हैं फिर जल्दी से। हम काफी ज्यादा रहो अब लेट भी हो चुके हैं, लगभग 9 बज चुके हैं और हमारा टारगेट था कि 7 बजे तक निकलना है यहाँ से। तो यार अभी लाइट को ऑफ कर देते हैं और अब जो है निकलते हैं, और मैं यहाँ पर आपको बाहर भी बताता हूँ, अगर आपका बजट है तो आप आ सकते हो बिल्कुल, क्योंकि यार यहाँ पर सही है, आपको सर्विसेज सारी मिल जाएगी, प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे यार यहाँ पर अपन ने स्टे किया था नाइट में, तो ये यहाँ पर सारे सारे रूम ही है, गैलेरिया मतलब ऊपर तक आप देख रहे हो ना, मतलब ऊपर तक रूम ही है, बहुत बड़ा है ये, बहुत सारे रूम है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है और आपको कम रेट में भी मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी जो है यार यहाँ पर ये मंदिर है, सामने एक मंदिर भी है, और इसका नाम जो है मैं बता देता हूँ, ये नक्की लेक के जस्ट सामने है, रघुनाथ धर्मशाला करके है, तो यहाँ पर आप आकर के स्टे कर सकते हो वहाँ। उसके बाद में मैं यहाँ पर मंदिर भी है, तो यार वहाँ वो भी आपको दिखाता हूँ उधर जा कर के, और बाकी जो है फिर अपन निकलते हैं आगे के लिए। ये अपने को काफी ज्यादा लेट हो रहा है, तो यार अपने को जल्दी से आगे निकलना पड़ेगा। गाइस यार फिलहाल जो है अपन ने क्या किया है कि अभी रूम लिया था वहाँ पर, जो है अपन वहाँ से चेकआउट हो चुके हैं और अब जो है आज के जितने भी प्लेसेस हैं ना वो अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो यार प्लेसेस की मैं डिटेल जो है मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि वो जो पूरा डिटेल वीडियो होगा ना इन्फॉर्मेशन वाला, वो मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा माउंट आबू नाम की, तो एक एक प्लेस को अच्छे से एक्सप्लोर करके और डिटेल के साथ में वहाँ डालूंगा, ठीक है। बाकी जो है अपने जो स्टोरी लाइन चल रही है वो तो अभी बाकी चलेगी ही चलेगी, ठीक है ना। गाइज अपन जो है हाफ तक तो पहुंच चुके हैं, एंड ऊपर जो है वहां पर स्टार्टिंग में 10 रुपीज़ यहाँ पर टिकट दिया था, अब टिकट है आई क्या था वो यार ये तो पता नहीं, वो तो अभी यार ऊपर जाएंगे अपन वहां पर और लेंगे तो पता चल जाएगा कि वो क्या था। बाकी जो है यहाँ पर एक बहुत ही मस्त वाला व्यू मिला है अपने को, तो वो मेरे को मैं दिखाने के लिए आपको यहाँ पर रुका हूँ। तो यार बाकी अपने रौनक भाई भी है जो कि यार वहाँ तक चले गए हैं अभी, वो पीछे आपको छोटे से दिख रहे होंगे। तो बाकी यार यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, तो यार ये काफ़ी मतलब कि एकदम वाटर मतलब जो पानी है ना वो एकदम साफ पानी भरा है, ठीक है, क्योंकि यार यहाँ पर ज़्यादा गंदगी वगैरह आती नहीं है ना, तो यार एकदम साफ पानी भरा है, मतलब यूँ अंदर तक अपन देख पा रहे हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पर ये शॉप वगैरह भी है यहाँ पर, और काफ़ी एक नंबर लुक है यहाँ पर। तो यार फ्रेंड्स फाइनली जो है अपन यहाँ पर पहुँच चुके हैं, एंड यहाँ पर जो है पार्किंग में पीछे स्कूटी को खड़ी कर दी है अपन ने, और अब जो है अपने को चल के जाना पड़ेगा ऊपर, स्कूटी थोड़ी ना जाएगी, नहीं जाती है ना, तो ये लेके जा रहे हैं वो क्या है, इधर ही जाता देख लो सामने, अच्छा हाँ जैसे कि आपकी खड़ी है, हाँ अच्छा पार्किंग में खड़ी, हाँ तो ठीक है यार पार्किंग लग के ले जा रहे हैं, पता नहीं चले उधर उधर जा रही होते, हाँ आप देख लो आराम से, हाँ कोई दिक्कत नहीं, हाँ तो यार यहाँ पर जो है नीचे जो चार्ज लगेगा 10 रुपये और यहाँ पर 20 रुपये पार्किंग का चार्ज लगेगा। बाकी जो है अपन आगे क्या क्या चीज़ें हैं वो अपन आगे चल करके देखते हैं। तो भाई साहब हालत ख़राब हो चुकी है यहाँ पर ऊपर आते आते, सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब कि बोला भी नहीं जा रहा, इतनी ख़तरनाक वाली हालत ख़राब हो चुकी है। और हाइट तो आप मतलब कि
यहाँ पर बाइक लेके आते हो ना, उसके बाद में भी इतनी हाइट है कि आपने ऑब्वियसली टाइम लैप्स में देख ही लिया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यार अभी जो है अपन बिल्कुल टॉप पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर एक छोटा सा ये मंदिर है। तो यार यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर कि ये घंटा जो है पीछे उसको 3 बार बजाने से मनोकामना पूरी होती है। तो ये घंटा बजाना चाहते हो तो यहाँ पर आ सकते हो आप, बाकी जो है हम बजा करके देखना चाहते हो तो वो हम बजा के दिखा देंगे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने धोख लग लिया है, तिलक विलक आपको दिख ही रहा होगा। बाकी जो है अपन उस साइड पीछे की साइड में चल के देखते हैं कि पीछे की साइड में और क्या है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है अंदर पंडित जी थे, तो उनसे मैंने पूछा तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि यार यहाँ पर पहले के टाइम में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। तो यार इसीलिए शायद इस शिखर का नाम जो है गुरु शिखर है, क्योंकि विश्व के गुरु तो वही है, ठीक है ना। तो अभी जो है काफ़ी देर हो चुकी है अपने को यहाँ पे, तो यार थोड़ा बहुत वो दूसरे वीडियो के लिए सिनेमेटिक शॉट भी लेने थे, ठीक है। तो वो सारे सिनेमेटिक शॉट लिए, थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी दिया, तो वो वीडियो देखना है तो वो आप अलग से जाकर के देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर। बाकी जो है यार अभी यहाँ पर अपन फोटोग्राफी करते हैं, वो काम अपना रह रहा है तो वो करके और फिर यहाँ से निकलते हैं। अपने को बहुत सारे प्लेस और भी कवर करने हैं आज के दिन में, क्योंकि अपने पास 3 बजे तक का टाइम है, उसके बाद में टाइम नहीं। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि अभी तक मैंने टाइम भी नहीं देखा है कि क्या टाइम हुआ है, तो अभी टाइम देखते हैं एंड देन निकलते हैं। ये अपना दूसरा दिन है, ठीक है ना, टूर का। लेकिन यार मैं इसे इत्तेफाक कहूँ या अब आगे का मूवी का डायलॉग मुझे नहीं याद है, तो वो आप समझ लेना, ठीक है। और ये जो फ्रेंड्स है हमें कल भी मिले थे और आज भी मिले, ठीक है ना। तो अपनी बात जो है फिलहाल आज हुई है। तो आप कहाँ से आए? हम बड़ौदा गुजरात से आए। तो फिर यहाँ पर मतलब कितने दिन का टूर रखा आपने? 2 दिन का। 2 दिन का है, मतलब आज लास्ट डे होगा ना? यस। ओके। और कल कितने कितने प्लेस विजिट किए थे आपने? कल हमने सनसेट पॉइंट, अच्छा। हाँ तो यार अपन ने जितने प्लेस विजिट किए थे ना उतने इन्होंने भी किए थे, इसीलिए अपने को ये मिले थे अपने को कल। तो सब्सक्राइब टू जगी ब्लॉग। हाँ तो भाई इन लोगों ने बोल दिया है तो यार इन लोगों की बात जरूर रखना और इनकी रिक्वेस्ट मान लेना। यहाँ पर कपड़े वगैरह की सारी शॉप से सारी तरह के खाने वगैरह जो चाहिए ना आपको वो सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वो पानी है, नींबू सोडा है, पुदीना सोडा है, शरबत है, वो अभी यार यहाँ पर कुछ खाने पीने का मन हो रहा है, बट यार क्या है कि अभी अपन हो रहे हैं लेट, ठीक है, तो वो सब कुछ सेट होगा नहीं अभी, जल्दी जल्दी में निकलना पड़ेगा अपने को यहाँ से। तो गाइस यार फाइनली जो है अपन पहुँच चुके हैं, स्कूटी पीछे लगा दी है और 10 रुपये यहाँ पर पार्किंग है। तो अपन गुरु शिखर जाते हैं ना।